Of you. मैं डॉ नीता मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश राजस्वी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है हमारा जो पहला लेक्चर था बीएड स्पेशल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटी, उसमें हमारे जो दो ब्लॉक्स थे उसमें हम लोगों ने हेरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है वो कैसे कॉजिंग करता है और सपोज अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट किसी को हो गया है तो उसके लिए हम किस प्रकार के इक्विपमेंट किस प्रकार की टेक्निक और किस प्रकार का प्रिकॉशन लेके उसको हम रिमूव कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं या बची हुई रेसिड्यूल पावर्स को इम्प्रूवमेंट करके हम अपने एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं आज हम ब्लॉक तीन में सेंसरी डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स अंधता या ब्लाइंडनेस जो होती है वो कैसे होती है क्या रीजन होता है उसको हम कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं और अगर ये डिसेबिलिटी कोजिंग हो गई है तो उसे हम कैसे उस पर अपने एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है जैसे ही हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट या दृष्टिबाधिता के बारे में सोचते हैं तो आखिर ये दृष्टिबाधिता होती क्या है तो जब किसी व्यक्ति के आग की रोशनी कम होती है या बिल्कुल नहीं होती तथा आग के उपचार एवं चश्मे इत्यादि के प्रयोग के बावजूद भी उसकी दृष्टि सामान्य नहीं हो पाती है तब हम उसे दृष्टिबाधित व्यक्ति कहते हैं या हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि ठीक प्रकार से देख न पाने की असमर्थता दृष्टिबाधिता कहलाती है किसी व्यक्ति की आग की रोशनी का कम होना अथवा बिल्कुल ना होना बचपन से भी हो सकता है या जीवन के किसी भी स्तर पर हो सकता है जब दृष्टिबाधिता जन्म से होती है तो उसे जन्मजात दृष्टिबाधिता की श्रेणी में रखते हैं तथा जब दृष्टिबाधिता युवावस्था प्राणावस्था अथवा वृद्धावस्था में होती है तो उसे देर से हुई दृष्टिबाधिता की श्रेणी में रखते हैं दृष्टिबाधिता व्यक्ति की ऐसी अक्षमता होती है जो उस व्यक्ति को देखने में एवं दृष्टि संबंधी किसी भी कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती है Means, अगर दृष्टि बाधिता है तो वो जन्मजात भी हो सकती है या अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में किसी भी कारण हो सकता है, के दो प्रकार की होती है। एक हमारा होता है अंधता अथवा पूर्ण दृष्टि बाधिता जिसे हम लोग ब्लाइंडनेस कहते हैं और दूसरा हमारा होता है अल्प दृष्टि या लो विजन जो हमारी अंधता अथवा पूर्ण दृष्टिहीनता ब्लाइंडनेस होती है उसे हम निशक्त जन अधिनियम पी डब्ल्यू डी एक्ट उन्नीस अनुसार ऐसे व्यक्ति को अंधता अथवा पूर्ण दृष्टिहीन की श्रेणी में रखा गया है जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी से भी ग्रसित हो सकते हैं पहला दृष्टि का पूर्ण अभाव यानी टोटल एब्सेंस ऑफ साइड अथवा सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र के दृष्टि तीक्ष्णता या विजुअल एक्टिविटी जो 6/60 अथवा 20/200 स्नेल आई चार्ट पर से अधिक न हो अथवा दृष्टि क्षेत्र फील्ड ऑफ विजन की सीमा 20 डिग्री कोड वाली या उससे खराब हो अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि हमारी विजुअल एक्टिविटी क्या होती है या हमारा फील्ड ऑफ विजन क्या होता है दृष्टि तीक्ष्णता दृष्टि तीक्ष्णता का अर्थ है कि आंख की देखने की क्षमता या व्यक्ति की निर्धारित दूरी से स्पष्ट देख पाने की योग्यता है यह दूर व पास दोनों दूरियों के लिए मापी जाती है दृष्टि तीक्ष्णता को मापने के लिए सामान्यतः स्नेले आई चार्ट का प्रयोग किया जाता है इट मींस उदाहरण के तौर पर जैसे विजुअल एक्टिविटी सिक्स बाई सिक्सटी या ट्वेंटी बाई टू हंड्रेड से तात्पर्य है कि सामान्य व्यक्ति वाला व्यक्ति साठ मीटर या दो सौ फीट तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि उस हद तक खराब हो जाए कि उसी वस्तु को देखने के लिए उसी 6 मीटर या बीस फीट की दूरी पर आना पड़े तो वह व्यक्ति की दृष्टिबाधिता की सीढ़ी में आ जाता है दूसरा हमारा दृष्टि क्षेत्र या फील्ड ऑफ विजन फील्ड ऑफ विजन से तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा सीधे देखने पर उसके द्वारा प्रत्यक्षित कुल क्षेत्र अर्थात व्यक्ति ठीक सामने की वस्तु को देख सकने के साथ ही एक निश्चित परिधि में आने वाले सभी वस्तुओं को देख सकता है वहीं सामान्य दृष्टि क्षेत्र वाला होता है सामान्य आँखों में दृष्टि क्षेत्र सामान्यतः 180 डिग्री का होता है सामान्य रूप से प्रत्येक आग द्वारा लगभग 60 डिग्री नाक की ओर केंद्र बिंदु बनाकर 90 डिग्री कनपटी की ओर 50 डिग्री ऊपर की ओर केंद्र में तथा 70 डिग्री नीचे की ओर का क्षेत्र देखा जा सकता है ब्लाइंडनेस था और दूसरा हमारा जो टाइप होता है वो है अल्पदृष्टि या लो विजन हम लो विजन किसे कहते हैं निशक्त जन अधिनियम पी डब्ल्यू डी एक्ट नाइनटीन नाइन्टी फाइव के अनुसार अल्पदृष्टि व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आँखों के उपचार अथवा मानक अपरिवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो फिर भी वह समुचित सहायक युक्ति मीन्स किसी भी इक्विपमेंट कैसे किसी कार्य की योजना बनाने अथवा निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभावित रूप से समर्थ हो तो हम उसे अल्प दृष्टि या लो विजन की श्रेणी में रखते हैं सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अल्प दृष्टि की श्रेणी में वह व्यक्ति आते हैं जिनमें बची हुई दृष्टि की मात्रा सामान्य दृष्टि वाले तथा पूर्ण अंधत्व के बीच की होती है इन व्यक्तियों को पढ़ने लिखने चलने फिरने अथवा सामान्य कामकाज करने में समस्या का सामना करना पड़ता है दृष्टिमूलक कार्यों को संपादन करने के लिए इन्हें सहायक उपकरणों की आवश्यकता लेनी पड़ती है अब बाधिता के कारण क्या है दृष्टिबाधिता आपने देख लिया है हमारे दो प्रकार के होते हैं एक तो हमारा ब्लाइंडनेस और दूसरा होता है लो विजन और ये दृष्टिबाधिता कैसे काजिंग करती है कॉजेस ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट तो इसके तीन रीजन होते हैं जन्म के समय का कारण जिसे हम लोग कहते हैं जन्म से पूर्व का कारण प्रीनेटल कॉज जन्म के दौरान का कारण नेंटल काज एंड जन्म के बाद का कारण पोस्ट नेंटल काजेस यानी प्री नेंटल नेंटल एंड पोस्ट नेंटल तीन काजेस के कारण ये दृष्टि हमारी जो है वो इफेक्टेड होती है जन्म से पूर्व का कारण यानी प्री नेंटल स्टेज इसमें हो सकता है परिवार में दृष्टि रोज के इतिहास का होना मीन्स अगर फैमिली में किसी को इस प्रकार की दृष्टिहीनता है तो वो हेरिडिटरी भी हो सकती है जेंटिक हो सकती है तो संभवतः अगर फैमिली में किसी पर्सन को ये है तो उनके बच्चे या उनके अन्य संबंधियों को भी ये दृष्टिहीनता हो सकती है दूसरा कुपोषित गर्भवती माता या स्वास्थ्य का खराब होना मतलब प्रेगनेंसी के समय माँ को सही ढंग से पोषण न मिल पाना या किसी बीमारी से ग्रसित होने पर भी दृष्टिहीनता हो सकती है रक्त समूह की जटिलताएं या आर एच असंगति मीन्स अगर सेम ब्लड ग्रुप है या आर एच वाली प्रॉब्लम्स है तो ऐसे बच्चे ब्लाइंडनेस को कॉजिंग कर सकते हैं डॉक्टर की इसके लिए डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिला द्वारा एंटीबायोटिक या कोई अन्य दवा ले लेना मीन्स अगर थोड़ा फीवर हुआ है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास न जाकर किसी मेडिसिन से कोई दवा लेके खा ले तो उससे भी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ सकते हैं गर्भावस्था के दौरान किसी संक्रामक रोग या बीमारी जैसे रूबेला आदि के हो जाने से भी हम प्रीनेंटल कॉजिंग हो सकते हैं जन्म के दौरान का कारण यानी नेंटल कॉजेस ये हो सकता है जन्म पूर्व प्रसव यानी बच्चे की नाइन मंथ में जो प्रसव होते हैं वो उससे पहले हो जाए सिक्स मंथ सेवंथ मंथ तो वहाँ पे भी दृष्टिहीनता कॉजिंग कर सकते हैं प्रसव के दौरान शिशु को मिलने वाली ऑक्सीजन में कमी होने पे भी दृष्टिहीनता हो सकती है प्रसव में प्रयुक्त उपकरणों के गलत प्रयोग के कारण भी कॉजिंग हो सकता है जन्म के समय शिशु का वजन बहुत कम हो तो भी दृष्टिहीनता उसे कॉज कर सकती है जन्म के समय आँखों में किसी भी प्रकार से चोट लग जाने पे भी समस्या उत्पन्न हो सकती है और हमारा जन्म के बाद का कारण यानी नेंटल कॉजेस इसमें बाल्यावस्था में संक्रामक रोग का हो जाना इससे भी नेंटल कॉजिंग हो सकते हैं आँख में हुए संक्रमण के प्रति लापरवाही बरतना मीन्स आँख में चोट लग गए या किसी प्रकार की समस्या हो गई तो उसका कोई ट्रीटमेंट ना करके ठीक हो जाएगा अगर ऐसा मान लिया जाता है तो उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाते हैं नेत्र या मस्तिष्क पर चोट लग जाना किसी कारण से नेत्र में या हमारे सिर में कहीं से चोट लग गई एक्सीडेंट हो गए तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं नेत्र में ट्यूमर का हो जाना विटामिन ए की कमी होने पे भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है दूसरा दृष्टि दोष के आधार के कारण ऑन द बेसिस ऑफ दृष्टि दोष ये तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है परावर्तनीय दोष जिसे हम रिफ्लेक्टिव ईरर्स कहते हैं दूसरा संरचनात्मक दोष यानी स्ट्रक्चरल ईरर और तीसरा कॉर्टिकल दृष्टिदोष यानी कॉर्टिकल विजुअल ईरर्स इसके कारण भी दृष्टिदोष उत्पन्न होते हैं परावर्तनी दोष या रिफ्लेक्टिव ईरर्स क्या होते हैं जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं सामान्य आँख में प्रकाश की किरणें सीधे रेटिना पर पड़ती है जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण करती है आग की इस सामान्य अवस्था को इम्पीट्रोपिया कहते हैं इस स्थिति में विचलन की स्थिति एमेट्रोपिया कहलाती है इसमें प्रकाश की समानांतर किरणें रेटिना पर केंद्रित नहीं होती ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये सामान्य रूप से रेटिना पे केंद्रित नहीं हो पाती जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब धुंधली धुंधली प्रतीत होती है इसमें दूर दृष्टि दोष, निकट दोष और बिंदुकता तथा दूरदर्दता की अवस्थाएं सम्मिलित हो जाती हैं दूर दृष्टि दोष जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर मिट्रोपिया हाइपर कैसे होते हैं इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती परंतु पास की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सीधे नहीं बनकर उसके पीछे बनता है मीन्स यहाँ डायरेक्ट न बनकर ये पीछे बैक साइड में बनता है जिससे आँखों में इस दोष में चश्मे के उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है दूसरा हमारा होता है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया इसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और मायोपिया में इसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर उसके आगे बनता है आँखों में इस दोष को चश्मे के अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है बिंदुता स्थिति में लेंस अथवा कार्निया के अनियमित होने के कारण मीन्स यहाँ पे जो आ, लेंस है यहाँ जो लाइट आ रही है ये कार्निया पे न आके कहीं और जा रही है अनियमित होने के कारण वस्तु का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो पाता इस दोष में बेलनाकार मीन्स सलाइंड्रिकल लेंस की सहायता से हम इसे सुधार सकते हैं नेक्स्ट हमारा होता है जरा दूरदर्शिता यानी प्रिस्पाइक ओपिया यह उम्र के साथ आँखों के स्वरूप तथा स्वास्थ्य में प्राकृतिक रूप से गिरावट से संबंधित है यह उम्र बढ़ने के साथ लेंज का लचीलापन कम हो जाता है मोस्टली ये सभी को कॉज करती है जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता है ये हमें जरा दूरदर्शिता से हम ग्रसित हो जाते हैं जिसमें स्पष्टता के साथ देखने में कठिनाई होती है इस स्थिति में व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाता है इसको बायोफोकल लेंस इसका ऊपरी भाग अवतल लेंस तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है के प्रयोग से हम ठीक कर सकते हैं संरचनात्मक दोष स्ट्रक्चरल ईरर्स ये क्या होता है इस श्रेणी के अंतर्गत नेत्र की ऑप्टिकल या मांसपेशी संरचना के एक या एक से अधिक हिस्सों में खराबी हो जाती है ये खराबी विकासात्मक एवं क्रियात्मक दोनों स्तरों पर होती है आँखों की निम्नलिखित स्थितियाँ संरचनात्मक दोष के अंतर्गत आते हैं पहला हमारा है मोतियाबिम या कैट्रैक्ट इसमें आँख के लेंस में अपारदर्शिता आने की स्थिति को हम मोतिया बिन कहते हैं मीन्स आँख से हमें सामान्य चीज़ें दिखाई नहीं दे पाती और परेशानियाँ उत्पन्न होती है यह एक आँख अथवा दोनों आँखों में हो सकती है इसमें लेंस की अपारदर्शिता प्रकाश को लेंस से गुजरने से रोकती है इससे व्यक्ति को कोई भी वस्तु धुधली दिखाई देने लगती है दूसरा हमारा होता है काला मोतिया या ग्लूकोमा यह आँखों के आंतरिक दबाव बढ़ने के कारण होता है आँखों में आंतरिक दबाव के कारण ऑप्टिक नर्व वह तंत्रिका ऑप्टिक नर्व किसे कहते हैं वह तंत्रिका जो नेत्र को मस्तिष्क से जोड़ती है को क्षति पहुँचाती है इसमें व्यक्ति को आँखों में बिना दर्द के धीरे धीरे परिधि दृष्टि नष्ट होने लगती है तथा अंत में व्यक्ति वस्तु का मात्र केंद्रीय भाग ही स्पष्ट रूप से देख पाता है वर्णहीनता एल्बिनिज्म वर्णहीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के सभी या कुछ भागों में मेलानिन शरीर व बालों को उनका रंग प्रदान करने वाला जो पिगमेंट होता है वो नहीं होता इससे कार्निया में प्रकाश असहनीयता या दूसरे शब्दों में प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता आ जाती है और व्यक्ति की दृष्टि क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है सुस्त आँखें इसमें आँखें सुस्त हो जाती हैं इसका तात्पर्य है कि आँखों की दृष्टि तीक्षणता उतनी अधिक नहीं रह जाती जितने दूसरे आँख की जो कि हमेशा प्रयोग में रहती है यह आँखों की मांसपेशियों में असंतुलन के कारण हो जाता है नेक्स्ट है जीरो प्लेमिया ए की कमी से बाल्यावस्था में होने वाली दृष्टिहीनता का सबसे सामान्य कारण है इस स्थिति में कार्निया में आने लगती है, कार्निया हमारा सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है नेक्स्ट कॉर्टिकल दृष्टि दोष कॉर्टिकल दोष यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें नेत्रों में कोई समस्या नहीं होती आंखें पूर्णतः सामान्य होती हैं परंतु ऑप्टिक तंत्रिका जो आंखों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है या मस्तिष्क का वह भाग प्रभावित हो जाता है जो देखी गई सूचनाओं को प्रत्यक्षीकरण तथा व्याख्या करने का कार्य करता है

विजुअल एम्पेयरमेंट को हम कैसे रोक सकते हैं थोड़ी सी अगर हम सावधानी रखें तो दृष्टिहीनता को बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं जैसे गर्भवती माताओं का आहार विटामिन ए से परिपूर्ण हो मीन्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड माताएं जो हैं उनको विटामिन ए से युक्त भोजन देना जरूरी होता है दूसरा गर्भावस्था के दौरान जर्मन मिल्स मीन्स खसरा या किसी अन्य संक्रामक रोग से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए नेक्स्ट गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डॉक्टर से परामर्श के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए मीन्स अगर छोटी सी फीवर हो जाए या सर्दी खांसी भी हो जाए तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा आप लीजिए उसे आप किसी मेडिसिन से या अपने मन से खाने से ये बीमारी बच्चों को कर सकती है नेक्स्ट शिशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर टीका लगवाना चाहिए जब तक संभव हो बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए मतलब बचपन से ही उनके आहार में विटामिन ए युक्त होना चाहिए बच्चे को विटामिन ए से परिपूर्ण खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, गाजर आदि देना अत्यंत उपयोगी होगा बच्चों को गंदे पानी में तैरने या स्नान करने से रोकना चाहिए बच्चों को सिर व आँखों की चोट से बचना चाहिए आँखों की समस्या या देखने में कठिनाई के प्रारंभिक लक्षणों के लिए जांच करवा लेनी चाहिए उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए अगर आँखों में किसी प्रकार की चोट हो या किसी प्रकार की समस्या हो सपोज आँख लाल हो गई हो तो भी हमें उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाकर उसका प्रिकॉशन करवा लेना चाहिए नेक्स्ट रोहे या ट्राइकोमा वाले व्यक्तियों के लक्षण पता चलने पर तुरंत उपचार किया जाना चाहिए नोकदार तीर ज्वलनशील पदार्थों पटाखों अम्ल इत्यादि का बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए आँखों में सूर्य की सीधे रोशनी एक्सरे आदि को जाने से बचाना चाहिए इन सभी उपायों को करके हम बहुत हद तक दृष्टिहीनता को दूर कर सकते हैं थैंक्स डियर लर्नर्स, आपने देखा कि दृष्टिहीनता कैसे होती है? ये हमारी दो प्रकार की होती है ब्लाइंडनेस और अल्प दृष्टि। इसके कई रीज़न होते हैं प्रीनेंटल पेरीनेंटल पोस्टनेंटल इन रीजन्स के कारण हमें दृष्टिहीनता कॉजिंग कर लेती है और जिसके कारण हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या सोशल एक्टिविटीज सभी इफेक्टेड हो जाते हैं इसको दूर करने के लिए हम कुछ प्रिकॉशन जो अभी आपको बताए गए हैं अगर उस पर ध्यान रखा जाए तो हम बहुत हद तक दृष्टिहीनता को कंट्रोल कर सकते हैं सपोज़ अगर दृष्टिहीनता हो गई और अब ब्लाइंडनेस कॉजिंग हो गए तो अब हम इनके एजुकेशन को कैसे डेवलपमेंट करेंगे इनका कैसे जल्द से जल्द आइडेंटिफिकेशन करके इनके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट सहायक उपकरण प्रोवाइड करके इनकी दृष्टिहीनता को कैसे दूर किया जा सकता है इसे हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे